अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम करेंगे आईफोन 11 प्रो मैक्स का बैटरी टेस्ट करेंगे और डिफरेंट डिफरेंट मैप का गेम प्ले करेंगे और चेक करेंगे कौन से मैप में हमारी कितनी बैटरी खर्च होती है और गेमिंग के दौरान ये फ़ोन लैग होता है या FPS ड्रॉप वगैरह होते हैं या लैग या हीटिंग इशू वगैरह हमें इस फ़ोन में मिलती है अब। तो फ्रेंड्स, यही सब कुछ आज हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लुक वाइज दिखा देता हूँ आपको। राइट साइड पर आपको पावर बटन मिल जाता है, लेफ़्ट साइड पर आपको वाइब्रेशन बटन और वॉल्यूम कीज मिल जाती हैं इस मोबाइल फ़ोन की, जैसे कि आईफोन में होता ही है। नीचे वाली साइड पर आपको लाइटिंग जैक की सपोर्ट मिल जाती है, साथ ही स्टीरियो स्पीकर मिल जाते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी के में होते हैं। और फ्रेंड्स, ये मोबाइल फ़ोन 3.5 mm जैक की सपोर्ट नहीं करता, आपको डोंगल लेना पड़ेगा और उसके साथ ही आप 3.5 mm जैक की सपोर्ट यूज़ कर सकेंगे, अपने हेडफोन यूज़ कर सकेंगे या आपको ब्लूटूथ वगैरह यूज़ करने होंगे गेमिंग के दौरान। तो इसकी जो सा iOS वर्जन है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखें, 16.1.1 इसका iOS वर्जन है और इसकी जो कैपेसिटी है 64 GB स्टोरेज की है और ये मॉडल जो सा है LLE मॉडल है इस मोबाइल फ़ोन का। और फ्रेंड्स, इसकी जो मज़ीद स्पेसिफिकेशन है वो मैं आपको चेक करवा देता हूँ एक इमेज में, आप चेक कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं हमारी पबजी को। और जो है ना, जब तक पबजी ऑन होती है प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और फ्रेंड, ये हो चुकी है हमारी पबजी ऑन। सबसे पहले तो मैं आपको इसके ग्राफिक्स चेक करवा देता हूँ और मैंने रिकॉर्डिंग भी ऑन कर लिया है, जो भी हम गेम प्ले करेंगे विद रिकॉर्डिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स देखें, स्मूथ पर आपको मिल जाता है एक्सट्रीम, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें 90 FPS देखने को नहीं मिलते और बैलेंस में आपको जो है ना एक्सट्रीम मिल जाता है और HD में भी आपको एक्सट्रीम मिल जाता है जो कि बहुत अच्छी बात है। और अल्ट्रा HD में भी आपको एक्सट्रीम मिलता है और HDR भी सपोर्टेड है, अल्ट्रा तक प्रोवाइड करता है आपको। और UHD आपको पता ही है कमिंग सून पर रहता है हर डिवाइस में। और इसकी जो एंटी एनालाइजिंग है 2x तक जाती है, 4x तक नहीं जाती। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करेंगे एक TDM मैच का गेम प्ले करेंगे, स्मूथ एक्सट्रीम पर लगाकर हम गेम प्ले करेंगे और विद रिकॉर्डिंग, और चेक करेंगे हमारे एक TDM मैच में कितनी बैटरी खर्च होती है। तो फ्रेंड्स, मेरी जो बैटरी है वो 90% है अभी इस मोबाइल फ़ोन की। तो स्टार्ट करते हैं TDM मैच को। तो फ्रेंड्स, ये हो चुका है हमारा TDM मैच स्टार्ट। और स्मूथनेस के अगर बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, स्मूथनेस बहुत ज़बरदस्त है, किसी किस्म का कोई लैग कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिल रहा है और स्मूथ एक्सट्रीम में तो बहुत कमाल की गेम चलती है, किसी किस्म का कोई मसला पेश नहीं आता आपको गेमिंग के दौरान और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है और क्या ही कमाल की पुलिस रजिस्टर होती हैं। और जैरो के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, जैरो भी बहुत ज़बरदस्त वर्क करता है, किसी किस्म का कोई डिले नहीं मिलेगा आपको इस डिवाइस के अंदर। बहुत कमाल का जो है ना आईफोन का जो जैरो होता है वो बहुत कमाल का होता है, कहीं भी किसी का आपको किसी भी डिवाइस में आपको जैरो की कमी कभी भी महसूस नहीं होगी। और एक फ्रेंड्स, मैं आपको पते की बात बता दूं, कोई भी जो है ना iOS वर्जन वाली एप्पल डिवाइस वाला कभी एंड्रॉयड पर जो है ना गेमिंग करता है तो कभी भी उसको गेमिंग का मज़ा नहीं आने वाला, क्योंकि एप्पल डिवाइस में जो गेम चलती है वो एंड्रॉयड मोबाइल्स पर नहीं चलती। इसका एक्सपीरियंस मुझे बहुत है और काफ़ी लोगों को बहुत अच्छे से जो है ना पता भी होगा। बेशक 90 FPS वाली डिवाइसेज होंगी बट आईफोन का मुकाबला नहीं कर सकती गेमिंग परफॉर्मेंस के लिहाज से, क्योंकि इसके अंदर जो प्रोसेसर लगा होता है A13 बायोनिक चिप का है इसके अंदर, और इनके जो प्रोसेसर होते हैं वो काफ़ी हैवी होते हैं, गेमिंग के लिए बहुत अच्छी जो है ना प्रोसेसिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से मैं इस TDM मैच को कंप्लीट करता हूँ और कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं लॉबी में और चेक करते हैं कितनी हमारी बैटरी खर्च हुई। तो फ्रेंड्स, मैं जो है ना जल्दी से मैच कंप्लीट करके आ चुका था लॉबी में। मैं जो है ना एक लैप भी मार लेता हूँ और टाइमर को नोट भी करता हूँ और यहाँ से जो है ना अब मैं आपको बैटरी चेक करवाता हूँ हमारी कितनी बैटरी बची है। तकरीबन हमारी जो बैटरी बची है 4% जो है ना खर्च हुई है, 90% थी मेरी बैटरी तो 4% हमारी एक TDM मैच में जो है ना गिरी है। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूँ मैं एक लिविक मैप को और लिविक मैप में हम चेक करते हैं हमारी कितनी बैटरी खर्च होती है और जो है ना कहाँ जो है ना ये लैग होता है या नहीं होता और इवेंट के ऊपर हम लैंड करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं जो है ना लैंडिंग आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ऊपर वाली साइड से, किसी किस्म का आपको ग्लिच वगैरह नहीं आने वाला और बिल्कुल ही स्मूथ लैंडिंग होगी आपके इस मोबाइल फ़ोन पर विद रिकॉर्डिंग होगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है ना मैं थोड़ा सा लेट उतरा और एनिमीज की तादाद बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से मैंने यहाँ से भागने की करी, भागने में ही बरकत थी भाई।
भागना ही पड़ा मुझे। तो कोई ऐसी बात नहीं, गेमिंग परफॉर्मेंस आपको बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, किसी किस्म का आपको कोई लैग कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा, बिल्कुल स्मूथ जो है ना गेम चलेगी। इवेंट के ऊपर आपको पता ही है कितने एनिमीज वगैरह आते हैं। अक्सर मोबाइल से ये होते हैं कि वहाँ पे जो है ना घंटा जो है ना बिल्डिंग क्लिच रहती हैं और स्मूथ होते हुए काफ़ी टाइम लग जाते हैं, बट आपको इस मोबाइल फ़ोन में किसी किस्म का जो है ना कोई क्लिच कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। और विद रिकॉर्डिंग की मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत अच्छी गेमिंग मिलेगी आपको। तो फ्रेंड्स, ये जो है ना मैं मैच भी जल्दी से कंप्लीट कर लेता हूँ। कंप्लीट करने के बाद मिलता हूँ आपको लॉबी में, और लॉबी में जो है ना आपको चेक करवाता हूँ हमारी इस मैप में कितनी बैटरी खर्च हुई। तो मिलते हैं लॉबी में। तो फ्रेंड्स, मैं जो है ना मैच कंप्लीट करके बाहर आ चुका था। तकरीबन मैंने 13 मिनट का सर्वाइव किया होगा इस एक लिविक मैप के अंदर। तो हमारी जो बाकी बैटरी बची है वो 70% जो है ना हमारी बैटरी बाकी बची है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं एक रैंकल मैप को। रैंकल मैप में हम चेक करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस मिलेगी, और वहाँ पर तो आपको पता है एनिमीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और इवेंट के ऊपर लैंड होंगे और डायनासोर वाले इवेंट के ऊपर लैंड होंगे, ताकि हमें पता चले हमारे इस मोबाइल फ़ोन की वहाँ क्या कंडीशन है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको लर्निंग इतनी दूर से इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप चेक करें कि इवेंट के ऊपर जो है ना कोई ग्लिच वगैरह तो नहीं आता हॉट ड्रॉप की वजह से, यानी कि वहाँ पे अक्सर आपको पता है एनिमीज़ वगैरह की तादाद जो सी होती है वो ज़्यादा होती है। तो फ्रेंड्स, आपको सामने ही है कि यहाँ पे जो है ना एनिमीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा होती है, और मैं जो है ना मेन इवेंट के ऊपर लैंड हो रहा हूँ। मुझे यहाँ पर किसी किस्म का कोई लैग कोई फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिला, बिल्कुल ही स्मूथ लैंडिंग हुई मेरी यहाँ पर, और किसी किस्म का कोई फ्रेम ड्रॉप नहीं मिला, और हल्का सा भी मुझे लैग फील नहीं हुआ इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। अगर फ्रेंड्स इस मोबाइल फ़ोन को आप स्पेशल पबजी के लिए बाय करने का सोच रहे हैं अब 2023 में, तो फ्रेंड्स आप इस मोबाइल फ़ोन को अब भी ले सकते हैं। आप इसके ऊपर लाइव स्ट्रीम वगैरह करते हैं, गेम प्ले अच्छा कर सकते हैं। अच्छी डिवाइस का होना अच्छा गेम प्ले होने से ही होता है, यानी कि भाई अगर आपका गेम प्ले अच्छा है तो जाहिर सी बात है आपका डिवाइस जो होता है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अच्छी डिवाइस के ऊपर अच्छा ही गेम प्ले होता है। जिसकी डिवाइस के ऊपर FPS वगैरह ड्रॉप होते हैं या घंटा घंटा बिल्डिंग्स ग्लिच वगैरह में खड़े रहते हैं, तो उसका क्या गेम प्ले होना, बिल्कुल ही फारिक गेम प्ले होना है। वो ज़्यादा से कुछ डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है आपकी डिवाइस कौन सी अच्छी है और कितनी जो है ना पानी में है। तो फ्रेंड्स, इस मोबाइल फ़ोन पर आपको किसी भी किस्म का अभी भी आपको कोई लैग फ्रेम ड्रॉप देखने को नहीं मिलेगा। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, यूट्यूब कंटेंट बनाने के लिए भी आप इस मोबाइल फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। विद रिकॉर्डिंग भी आपको फेल ही नहीं होने वाला। अगर फ्रेंड्स आपके मोबाइल फ़ोन की बैटरी 20% हो जाती है तो तब जाकर आपको थोड़े बहुत हल्का फुल्का फ्रेम ड्रॉप्स वगैरह लैग वगैरह देखने को मिलता है। और फ्रेंड्स, इस मोबाइल फ़ोन की अगर हीटिंग के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स हीट ये हो चुका था, क्योंकि जो है मैं विद रिकॉर्डिंग गेम प्ले कर रहा था, और आपको पता ही है आजकल जैसे कि गर्मी है, गर्मियों में अक्सर मोबाइल फ़ोन ऐसे होता है कि हीटअप वगैरह हो जाते हैं, मगर परफॉर्मेंस में आपको किसी किस्म की कमी महसूस नहीं होने वाली। और फ्रेंड्स, अगर आप जो है ना किसी AC रूम में बैठकर खेलते हैं तो वहाँ पर का जो टेम्परेचर है उस हिसाब से जो है ना ठीक रहता है। अगर आप नॉर्मल गेमिंग करते हैं तो नॉर्मल गेमिंग पर तो क्या ही बात है और क्या ही परफॉर्मेंस मिलेगी आपको। विद रिकॉर्डिंग भी आपको अच्छी ही परफॉर्मेंस मिलती है, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जो है ना विद रिकॉर्डिंग गेम प्ले कर रहे हैं या नहीं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से इस मैच को भी मैं कंप्लीट कर लेता हूं। कंप्लीट करने के बाद मिलते हैं लॉबी में और चेक करते हैं हमारी एक रैंकल मैप में कितनी बैटरी खर्च होती है और कितनी जो है ना परफॉर्मेंस मिलती है हमारी इस बैटरी की। तो फ्रेंड्स, मैं जो है ना मैच कंप्लीट करके बाहर आ चुका था लॉबी में, और तकरीबन 20 मिनट का मैंने सर्वाइव किया, और हमारी जो बाकी बैटरी बची है वो 61% बाकी रह गई है, और आपके सामने मेरा गेम प्ले भी रिकॉर्डिंग पे था। अब मैं इसको स्टॉप करता हूँ, आपको अब डिटेल से बताता हूँ हमारे कौन से मैप में कितनी बैटरी खर्च हुई। तो फ्रेंड्स, लैब वन के अंदर हमने जो है ना एक TDM मैच का गेम प्ले किया और थोड़ा सा रिव्यू किया, जिसके अंदर हमारी जो बैटरी खर्च हुई है वो 4% खर्ची हुई है। और लैब टू के अंदर जो है ना हमारी जो बैटरी जो है ना खर्च हुई, जिसके अंदर जो है ना हमने लिविक मैप खेला और 13 मिनट का सर्वाइव किया, इसके अंदर हमारी जो बैटरी खर्च हुई वो 11% खर्च हुई। और फ्रेंड्स, लैब थ्री के अंदर हमने रैंगल का गेम प्ले किया, जिसके अंदर मेरा सर्वाइव जो था 20 मिनट का था, ये सारा टोटल गेम विद रिकॉर्डिंग के साथ था, तो इसके अंदर जो हमारी जो बैटरी खर्च हुई वो 14% खर्च हुई। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के बात यह है, अगर आप इस मोबाइल फ़ोन पर
लगातार विद रिकॉर्डिंग गेम प्ले करते हैं तो करीबन आप 3 घंटे का गेम प्ले लगातार विद रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। और अगर फ्रेंड्स आप नॉर्मल गेमिंग करते हैं, नॉर्मल गेमिंग में आप तकरीबन 3.5 से 4 घंटे का गेम प्ले 100-0 कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को यार प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ और आपके लिए ही बैठा होता हूँ वीडियो के लिए, ताकि आप एक अच्छा मोबाइल फ़ोन परचेज़ कर सकें। तो फ्रेंड्स इसी बात के लिए आपको कहता हूँ यार सब्सक्राइब तो बनता है ना, तो फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर करके जाया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इस मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन रह गया हो या इस वीडियो में, या आपका कोई इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में, मेरा व्हाट्सअप का नंबर है, अगर आप मुझे प्राइवेट में आके मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, तो भी मैं आपके लिए हाजिर हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।